हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके चलते प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। इस सिलसिले में इंद्री के कृष्ण मंदिर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रत्याशी राजकुमार कश्यप समेत तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इस मौके पर पंजाबी समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मनोहर लाल ने लोगों से रामकुमार कश्यप के समर्थन में वोट करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 60 से 62 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी साहब, राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे शिक्षा मंत्री साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हरियाणा के चुनाव के इंचार्ज हैं, नितिन गडकरी जी, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी, द्वारा जोशी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब हर विधानसभा में चयनों को एक रैली करेंगे। हमारे अपने मुख्यमंत्री जी की रैलियाँ लगातार चल रही हैं। मैंने अपना कार्यक्रम पर तय किया है कि समाज की कुछ अग्रणी ठीक से जा सकते हैं, आप लोगों की उपस्थिति के समय कार्यकर्ता कर रहा हूँ। आज मेरा ये छठा स्थान का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि सब नहीं तो 60-65 विधानसभा कुछ मेरा हो जाएगा। ये दावा कर रहा हूँ सब जगह कि आने वाला ये चुनाव है, इस सत्ता के परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारी सरकार लगातार बनेगी और एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होगा। और हर जगह के जहाँ जहाँ विधानसभाओं में जा रहा हूँ वहाँ का सब विश्लेषण हम कर रहे हैं। जहाँ जीत की तरफ हम क्लियर कट है तो ठीक है, यहाँ क्लियर कट नहीं है क्योंकि एक एनालिसिस सब लोग करते हैं, इसमें मीडिया के लोग पूछते हैं, सर्वेज भी होते हैं, CID में रिपोर्ट आती है, पार्टी का कितना आकलन होता है, जहाँ कहीं लगता है कि सीटों पर बहुत जरूरत है उसको हम लगातार मेहनत करके अपनी सीट को जीतने की सुनिश्चितता कर रहे हैं। कांग्रेस को ठगों की पार्टी का है, मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए ये सावधानी करना कराना बहुत जरूरी है। असम के अंदर पहले योगी आए थे और तब राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि ना नॉमेंट तैयार होगा ना नौजवान जाएगी। शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं, हमने उसकी प्लानिंग योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ है वो रिएक्शन आखिर CID भी होती है, IG भी होती है, वो सब कोर्ट्स के पास भी चीजें पहुंचती हैं। कोर्ट में कुछ लोग चले गए, कुछ बंद करने के हक में थे, कुछ खुलने के हक में थे, हाईकोर्ट में खोलने के लिए यस कर दिया, बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बदल दिया। अब मुझे मालूम नहीं है आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, आज 25 तारीख है ना, आज तारीख थी, आज क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रास्ता खोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है, खोलने के बाद इस प्रकार की कोई न्यूसेंस ना हो जिसके कारण से कल को कोई असुविधा या कल को कोई ज्यादा उसका फॉल आउट ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे, उस समय हमारा भादुगर वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक, लंबे समय तक वो लोग बैठे, हमारे अपने लोगों को परेशानी हुई और बैठने भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना, यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में लाल किले में तबाही कर देना, ये तो दुश्मन के लोग ही नहीं करते, इस प्रकार का विषय ये जनता को भी पता है, आपको सबको पता है, ये ऐसी सावधानियां बरतना ये सरकार का ध्यान रखते हुए सरकार का काम है। अगर इसमें पहली बात तो ये है कि जो विषय मैंने बताया कि कांग्रेस का किसी प्रकार का आने का कारण नहीं, लेकिन कांग्रेस आए ना आए ये विषय तो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं मनोहर लाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में जो लोग दलाली करते थे उनके सफेद कपड़े खूंटी पर टांग दिए गए हैं, अब जनता ठगों के बहकावे में नहीं आएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 सितंबर को इंद्री में चुनावी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।